से, और इसे हम लोग खुदा में सुल्तान खूह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों की शॉप्स हैं, और इसे हम लोग फिजा में सुल्तान के खूह में जी। हाँ अच्छा, तो इससे हम लोग यार आगे सुल्तान के खूह में। असल में हम लोगों ने जो है वो लावा लाइट चेक करनी थी, लेकिन जो लावा लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मतलब तकरीबन 15-16,000 तक की मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमने ये सोचा है कि हम लोग अपनी लाइट्स मतलब खुद लाइट्स बनवाएंगे। तो मैंने वो जो गुल भाई हैं जो मेरी किट्स बनाते हैं, उन्होंने बोला है कि ना लाइट्स वो बना लेते हैं। तो आज हम यहाँ से लाइट्स, क्या सिंपल लाइट्स होती हैं ना गाड़ी की, वो लेंगे ऑल्टरनेटिव लाइट्स, क्योंकि मैं अपनी लाइटें ख़राब नहीं कर रहा, इनको मैं रख लूँगा ताकि यार आगे कभी गाड़ी बेचनी होती है या 100 मसले होते हैं। तो ये वाली लाइट्स हम रखेंगे, और जो नई लाइट्स हम देंगे वो जाके हम गुल भाई को देंगे, और हम वो उसमें ना ऑल्टरेशन कर देंगे हम। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो गाड़ी की मीटर लाइट है ये ऑरेंज होती है, हम लोग इसको चेंज करके वाइट और ऑरेंज करेंगे, वो आप लोग को पता होगा जो ऑल्टो में आती हैं। दो काम हो गए। उसके बाद यार आज हम कराएंगे गाड़ी ड्रॉप, क्योंकि आज मीटअप है ठीक है, तो हमने गाड़ी भी ड्रॉप करवानी है। इस बार हमने सोचा है कि हम गाड़ी खुद ड्रॉप करेंगे, हम लोग मैं फिजान भी अपनी फोन गाड़ियाँ खुद जाएंगे, ऐसा ही फिजान भी। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम लोग सही तरह से ड्रॉप कर पाएँ। तो हम लोगों ने जो टूल किट होती है ना प्रॉपर जैक और सब कुछ, वो भी लेना है आज हमने, ताकि यार मैं अक्सर मतलब कार मीटर्स वगैरह आते हैं गाड़ी ड्रॉप करता हूँ, तो ये तकरीबन 1500 रुपये की ड्रॉप होती है, 1500 की अप होती है, और मतलब पैसे ना ज़्यादा लग जाते हैं इसमें तो ड्रॉप और अप में, तो इसलिए मैं सोचा ज़रा खुद करके चेक करते हैं। तो अभी हम यहाँ एक दुकान है लाइट वाली, उसके पास चलते हैं और चल के इसका तो काम स्टार्ट करते हैं ना लाइट का। यार गाड़ी का काम हो और आप ख्वार ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही फिजान भाई जी बिल्कुल। हम लोग अभी वहाँ से किया, हम लोगों ने पता, लेकिन उन्होंने बोला कि वो नहीं कर सकते, तो अब अभी आगे हम लोग कोई शॉप ढूंढ रहे हैं जो मीटर वाली हो जो करके देगा हमें, क्योंकि वो नहीं मीटर खुलेगा तो पता नहीं क्या होगा, उसको पता ही नहीं था। तो अभी हम आगे चलते हैं, चल के चेक करते हैं कि कोई मीटर वाली शॉप मिले यार, और फिर हम ये कराएं इसका काम। अच्छा तो यार बहुत ही ख्वारी के बाद यहाँ पे वकास स्पीडोमीटर पे सुरेश भाई हैं, जो हमारे मीटर की लाइट जो है उसको सेट कर देंगे। तो काम स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। फिजान भी क्या लगता है आपको, काम बिल्कुल यस हो जाएगा सारा? अल्हम्दुलिल्लाह यस हो जाएगा। भाई का कॉन्फिडेंस देख के तो हमें लग रहा है कि भाई बहुत यस काम करेंगे इंशाल्लाह, और काम करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन है। गाड़ी जो है वो अंदर से गंजी हो गई है ठीक है, जो मीटर है वो उतार के अंदर ले गए, आपको चल के मीटर दिखाते हैं अभी हम। कसम से रखवारी है वे, मेरान चेक करो। अच्छा तो यार लाइट जो है वो कम्प्लीट हो गई है, और अभी भाई वापस फिक्सिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में लगा के चेक करते हैं कि लाइट जो है वो सही तरह फिक्स, मतलब लाइट सही है कि नहीं, क्या सीन है। अब भाई आपने अपने हिसाब से चेक कर लिया ना? भाई ने खुद तो चेक कर लिया, वो तो सेट है, बाकी चलो लाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हुआ। अच्छा यार अपने हिसाब से चलो भाई ने लगा लिया, लेकिन चलो अभी हम चेक करते हैं कि लाइट जो है वो किस तरह की लगी है और कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने सुना बहुत प्यारी लगती है, लेकिन खैर चलो अभी देखते हैं। ऑन तो हो रही है लाइट, और रात को सीन है वो वाली ऑन हो रही है, इतनी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा तो यार लाइट हमने लगवा ली है, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगी, रात से हम आपको दिखाएंगे लाइट जो है जाए लाइट से लग गई है। मैंने अपने साथ देखी है जी, माशाल्लाह प्यारी लग रही है, लेकिन इस तरह आप कैसे समझ लगेगी आप लोग खुद बताओ। अभी लाइट ऑफ है, अभी ऑन है, हाँ कैमरे में थोड़ा थोड़ा ब्लिंकिंग हो रही है, लेकिन उससे समझ नहीं आएगी आप लोगों को, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी यार लाइट का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, थोड़ी टेंशन रिलीज हुई है कि यार चलो एक काम तो हुआ। अभी हम चलते हैं यार यहाँ से जो खोके हैं ना लाइट्स के, वो लेने के लिए, क्योंकि वो हमने इनसे पता किया, ये लोग बोलते हैं हमारे पास नहीं है, तो जो लाइट्स खोके हैं वो लेते हैं और फिर निकलते हैं वापसी की तरफ। यार मैंने टूल किट का सोचा था, लेकिन जो टूल किट है उसका थोड़ा सा मसला आ रहा है अभी, क्योंकि वो बजट से आउट हो रही है, क्योंकि फिजान भी बोल रहे हैं जो जैक है ना पूरा जैक ले लो, लेकिन जैक यार अगर ले लिया तो जो गाड़ी का अपना जैक है वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं जिस तरह भी सीन है ना हम फिर आपको बताते हैं। लेकिन अभी जो है अभी गाड़ी के जो मीटर लाइट है वो लग गई है, अभी हम जाके दूसरी लाइट लेते हैं जो सिंपल नहीं होती पीछे
सिंपल जो खोखे होते हैं वो लेने, तो अभी चल के वो लेते हैं। रिजवान भी गुस्सा नहीं करना। अच्छा तो यार यहाँ हम आ गए, दिस इज सदर में हम लोग आ गए, और कल हम लोगों ने ना यहाँ से पता किया था तो उन्होंने हमें 1500 रेट दिया था, तो अभी फिजान भी को मैंने उधर ही भेजा, मैंने उनको बोला कि जाके लाइट ले आएँ, तो तकरीबन 1500 के मिल जाते हैं, तो फिजान भी ले आएँ लाइट और फिर निकलते हैं। गेरा हम लोग तकरीबन देखो 1:30 हो गए, अभी हमने गाड़ी ड्रॉप भी करवानी है। अच्छा फाइनल डिसीजन गेरा ये हुआ है कि गाड़ी हम शराफत से ड्रॉप ही करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, क्योंकि खुद किया तो कोई और ना कोई नया मसला हो गया तो और रोला है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना यार, बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए गाड़ी हम ड्रॉप करवाएंगे और बाकी फिर गाड़ी वॉश वॉश करवा के निकल जाएंगे। सो अभी लाइट लेके आते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा तो यार फैजान भाई आए, और फैजान भाई ने आके मायूस ही किया कसम खुदा की। तो आए जी फैजान भाई, क्या हुआ यार? कोई नहीं जी बहन, धोखा हो गया फिर आज। दुकान पे गया हूँ, पहले उसने बोला ठीक है जी लाइटें मिल गई हैं, 2000 रुपया दिए, वो मैंने उसे पैसे दिए तो बहुत साथ में कह रहा कि लाइटें ख़त्म हो गई हैं हमारे पास, ये बड़ा रौला हो गया आज। ये अब हम गिरा, अब समझ नहीं आ रही है क्या करें। अब ऑप्शन यही हमारे पास कि अभी हम चलते हैं वापस घर की तरफ, ठीक है PWD जाते हैं, और जिस बंदे को हमने बोला ना कि लाइटें हम तुझे देंगे, मतलब गुल भाई को हम बोलते हैं कि अरे काम करो लाइटें आप खुद करो, ठीक है, और ऊपर पैसे आप उसके और कर लो, तो बाकी यार अभी चलते हैं घर, चल के खाना शाना खाते हैं, खाना शाना खा के फिर जाएंगे PWD गाड़ी ड्रॉप करवाने के लिए, तो लेट्स गो। चलो खैर कुछ हुआ नहीं हुआ, गाड़ी हमारी ये मीटर लाइटें तो लग गई हैं, क्यों फिजान भाई कुछ काम तो हुआ है ना, तो चलो खैर अभी चलते हैं घर यार। ओके सो गाइस वी आर बैक होम, गाड़ी हमारी अभी यार वॉश होने वाली हुई है, इतना गंदा लड़की है मेरे कैमरे का। अच्छा प्लेट भी चेंज हो गई है, गाड़ी जो है वॉश होने वाली हुई है, और अभी चलते हैं घर, वैगनार भी आ गया। बाकी यार अभी खाना साना खाते हैं, खाना नहीं खाया खाना साना खाते हैं फिर चलते हैं इसको ड्रॉप करवाने के लिए। येरा बेचारी है स्विफ्ट खड़ी हुई अंदर ही कसम से, इस बेचारी का हाल बेहाल हुआ है और इसको कोई पूछ नहीं रहा। असल में अभी हम लोग खुद वेट कर रहे हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये बेचारी ऐसे ही खड़ी है, हर चक्कर कोई ना इसका भी करवाएंगे। अच्छा तो यार मनान इधर आ गया, ठीक है मनान सलाम करो भाई। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से आप इधर? वैसे आया तो जो क्या था मेरे को लेकर नहीं आया था। बाकी सुनाओ रिजल्ट के, रिजल्ट कैसा आया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर आए हैं, एक ग्रेड फुल मार्क्स, ग्रेड तो नहीं आए 666 नंबर आए मेरे आउट ऑफ 700। नहीं यार 1100 में आउट ऑफ 1100, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब तकरीबन 66% है ना? 66 नहीं थोड़ी ज़्यादा कम बनती है बल्कि 60% तक। कोई बात नहीं यार, इम्प्रूव आपने वैसे ही बात जाना है तो इंशाल्लाह आपके लिए सही है। फेस इंप्रूवमेंट दोगे आप? चलो यार अच्छी बात है माशाल्लाह दो। बाकी यार इब्राहिम भी आज हमारे साथ है कमेंट सेक्शन में, इब्राहिम आपके दोस्त है देखते हैं, उन्होंने बोला था हाँ नहीं हमारे फैन नहीं इब्राहिम नहीं इब्राहिम के फ्रेंड ने बोला था यार तेरा तो फैन है ना। चलो जो भी है इब्राहिम सलाम कर दिया आपने, फिर से करो। बाकी यार खाना साना खाते हैं, ठीक है खाना साना खा के चलते हैं, चल के गाड़ी ड्रॉप करवाते हैं। अभी हम यार सोच रहे हैं मनान बोल रहे गाड़ी ड्रॉप ना करवा क्योंकि ये एक सिंपल सा एक मीटअप है, आगे जो है मेन जो ऑटो शो है वो आगे आएगा, तो इसलिए मनान बोल रहे गाड़ी ड्रॉप ना करवा, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें यार, बता यार। मेरा यही मशवरा यार देखो अभी गाड़ी जो है ना इतनी मतलब कि सस्ती नहीं लीजिए, 1500 रुपया वो लेते हैं खाली नीचे करने का, फिर ऊपर करने को 1500-3000 रुपया जाता है। 3000 का ऑटो शो आ रहा है, मैंने कल ब्लॉग में बताया, आज बता रहा हूँ 30 सितंबर का ऑटो शो आ रहा है का, तो उसमें फिर हम लोग 3000 का लगाए। इससे बेहतर ये है कि मतलब ये इस पे ना करवाए क्योंकि यार ये मीटअप सिंपल है, बस सिंपल है, बस नॉर्मल है, इतना कोई खास नहीं है, वो जैसा सही है ऑटो शो बड़ा होगा साथ अपना ग्रुप भी तो होगा साथ, फिर ये सही उस पे रहेगा। मेरे ख्याल से ज्यादा करने वाली बात है, ज्यादा पैसे आए तो मुझे दे दे तू। नहीं 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 जरा फिर अभी सोचते हैं गाड़ी ड्रॉप होगा, अगर कैंसिल हुआ तो बस सिंपल गाड़ी हम वॉश करवा देंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन देखते हैं जिस तरह बनता है फिर हम आपको बताएंगे। ओके सो गाइस लेट्स गो, ऑल्टो बार खड़ी भी होगी, अभी चलते हैं यार। ये ला सीन कुछ तरह का कि मैं जाऊंगा दाढ़ी शेड सेट करवाने के लिए, ठीक है, और फिजान भाई जाएंगे वॉश करवाने के लिए। फिजान भाई को मैंने कॉल किया वो आ रहे हैं, फिजान भाई गाड़ी वॉश करवाएंगे, तब तक मैं दाढ़ी शेड सेट करवा लूँगा और फिर वापसी फिजान मुझे पिक करेंगे और फिर हम लोग घर आएंगे। मिट्टी चेक करो कितनी मिट्टी है यार, ओह माय गॉड। ड्रॉप कराने का प्लान हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यार ड्रॉप जो है वो हम एक ही बार करवाएंगे हेयर ऑटो शॉप पे, ठीक है, अभी ड्रॉप करवाने का उस तरह वो फायदा नहीं है, तो इसलिए बाकी अभी चलते हैं फिजान भी का वेट करते हैं, फिजान भी आए तो फिर चलते हैं नाई के पास।
ओके सो गाइस, आप लोग देख रहे हो कि इतना टाइम एकदम से ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो सिंगर सर की गाड़ी जो है वो हमारी बिल्कुल वॉश हो गया, और ये आप लोग देख सकते हैं पानी पानी कर दिया यार। फिजान भाई आपने सारा पानी रोड पे गिरा दिया यार, व्हाट इज दिस फिजान भाई, पॉल्यूशन सो मच। इसको निकालें यार, ये ना हो टूटा हुआ, मौलवी ने लिया था ये। अच्छा तो सीन कुछ था कि यार गाड़ी जो है वो घर पे वॉश किया, ठीक है, और मैं तैयार हो गया हूँ। फिजान भी मेरे साथ नहीं जाएंगे, एक मेरी गाड़ी जाएगी, एक शाहान की जाएगी, और एज यूजुअल जिस तरह के हमारी हमने कसम उठाई है कि हम लेट जाया करेंगे, उस तरह हम लोग आज भी लेट ही हैं। 5 बज गए इधर ही, और अभी हम निकलना है, तो बस निकलते हैं। ओए 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 भाई तू किधर जा रहा है, लेट्स गो लेट्स गो। ओके फिजान भाई फिर आप रहे हैं, फिर मैं जा रहा हूँ, चाबी दे दें इसकी। अच्छा तो यार घर से मैं निकल आया हूँ, और टाइम आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये घड़ी 10 मिनट आ गया, तकरीबन 5:20 हो रहे हैं, ठीक है। और ये शाहान ही घर पहुँच गया हूँ, ये शाहान ही गाड़ी खड़ी हुई है, शाहान का वेट हो रहा है, ठीक है। हमेशा ये बंदा लेट करवाता है, ठीक है, सीधी बात है, और आज भी यही लेट करवा रहा है मुझे। अब ये आए तो फिर निकलते हैं आगे, हम शामिल की मुझे मैसेज आ चुके हैं। अच्छा बस ये आए तो फिर हम निकलते हैं यार आगे मीटअप की तरफ, उधर आवाम सारी आ गई, हम लोग बहुत लेट हो गए। और बाकी अगर मीटअप की लाइट की बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे जो है ऐसे होगी, मतलब ऑन करेंगे तो ये ऐसे होगी, अभी भी आपको सर नज़र नहीं आएगी, ये रात टाइम ना प्रॉपर शो करूँगा मैं। यार जी टाइम देखें तो 5:09 हो रहे हैं, और बिलाल की गाड़ी वो खड़ी हुई है, और मुझे यहाँ बिलाल ने असल में बुलाया हॉस्पिटल में, अल्लाह खैर करे सब सही हो, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शाहान को ही मेरे बुला लिया, वो इधर ही आ रहा है, चलते हैं चल के देखते हैं। 6.5 hours later ओके सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कितने टाइम बाद, मतलब ये क्या एकदम से अंधेरा हो गया और सब कुछ, टाइम मैं आप लोग को दिखा दूँ, 10:17 हो गए। असल में यार सीन इस तरह का थोड़ा सा मसला हो गया था, ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों ने देखी होगी मैं हॉस्पिटल जा रहा था, वो थोड़ा सा इशू हो गया था, छोटा मोटा एक मसला हो गया था, जिसकी वजह से मीटअप कैंसिल हो गया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड हम लोग मीटअप रखेंगे, मतलब हैदर शमी मीटअप रखेंगे, और हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, छोटे मोटे मसले हो जाते हैं यार जी, ये तो लगे आए छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं। बाकी यार सीन को इस तरह क्या कि लाइट जो है मैंने आपको दिखानी थी कि ये आप चेक करो, अभी ऐसे है, अभी ये बहुत ज़्यादा डार्क बता रही है, पता नहीं इसमें क्यों, लेकिन इतनी डार्क है नहीं यार, बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बाकी यार अभी एक और मजे की बात मैं बताता हूँ, स्विफ्ट वो सामने खड़ी हुई है, वो बिल्कुल स्विफ्ट का काम आगे से क्लियर हो गया, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, बल्कि चलते हैं यार मैं आप लोगों को वो दिखा ही देता हूँ। इसको करते मन, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिस तरह से गाड़ी ना फिर से थोड़ी थोड़ी गंदी होगी, और स्विफ्ट का दिखाएं तो यार जी स्विफ्ट ये क्या, ये इन्होंने क्या किया है, मैं गया नहीं था सर स्विफ्ट का काम करवाने, ये मुझे लगता है वही बम्पर इन्होंने वापस लगवा दिया, लेकिन हो सकता है ये आरजी काम हो या क्या हो, मुझे इसके बारे में इल्म ही है। बाकी यार मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट एंड शेयर द ब्लॉग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मीटअप नहीं रखा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड रख लेंगे, बाकी हमने चलो आज गाड़ी की लाइट लगवा ली है, और स्विफ्ट का काम भी हो गया।